बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, और इस वक्त बड़ी अपडेट ये आ रही है दिल्ली मर्डर केस से जुड़ी हुई। आरोपी साहिल के कई दोस्त भी पुलिस की रडार पर हैं। अब दिल्ली पुलिस की जांच टीमों को साहिल के दोस्तों पर भी शक है कि वो वारदात के वक्त वहीं पर थे, और अब इस मामले में दिल्ली पुलिस इसी थ्योरी पर जांच कर रही है कि साहिल उस दिन उस मौके पर अकेला नहीं था। चाकू भले ही वो अकेले चला रहा था, लेकिन आसपास उसके कुछ मददगार दोस्त के रूप में भी मौजूद थे। और दावा इस बात का भी किया जा रहा है कि जिस जगह पर चाकू लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ तरीके से इस नाबालिग बच्ची पर किए गए वार, उससे ठीक थोड़ी ही दूर पर साहिल के दोस्तों का एक गुट भी बैठा हुआ था। इंसाफ चाहिए जो है उसको, पूरी जिंदगी की सजा या तो फांसी की सजा। सामने आया साहिल का सबसे शातिर प्लान। साहिल का बैकअप प्लान था तैयार, मर्डर करने अकेले नहीं गया था साहिल। साहिल के इशारे का इंतजार कर रहे थे दोस्त। इशारा मिलते ही एक्टिव हो जाता बैकअप प्लान। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में हुई लड़की की निर्मम हत्या में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हत्या के जिस सीसीटीवी को देखकर पूरा देश दहशत में है, उसे साहिल ने अकेले अंजाम नहीं दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने, साहिल ने इसके लिए फुल प्रूफ प्लान तैयार किया था। पुलिस को शक है कि साहिल ने जिस वक्त मर्डर किया, उस वक्त उसके कई दोस्त बैकअप के लिए तैयार थे और वो दूर से ही पूरी वारदात पर नजर रख रहे थे। पुलिस को ये भी शक है कि वारदात के वक्त मौके पर मौजूद लोगों को साहिल के दोस्तों के होने का पता था, इसलिए वो मदद के लिए आगे नहीं आए। क्योंकि साहिल के सर्किल में कई ऐसे लड़के हैं जो पूरे एरिया में इकट्ठा होकर घूमते थे। उसके नए पनपते गैंग में कई ऐसे लड़के शामिल हैं जो रोजाना शाम को उसी इलाके के आसपास मंडराते थे जहां पर नाबालिग लड़की की हत्या को अंजाम दिया गया था। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस को आशंका है कि जिस वक्त साहिल बी ब्लॉक में घूम रहा था, उस वक्त क्या इसके साथ ही लड़के भी आसपास मौजूद थे। इसके लिए दिल्ली पुलिस के रेडार पर उसके सभी दोस्त हैं, जिनकी तलाश के लिए टेक्निकल सर्विलांस और लोकल इनपुट्स का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस इस बात की तलाश में है कि साहिल रात को जिस इलाके से आया था, वहां से क्या उसके साथ कोई दूसरा साथी भी आया था। दिल्ली पुलिस की टीम ने उसके हम उम्र के कई लड़कों को भी पूछताछ में शामिल किया है जो वारदात की रात को उस लोकेशन पर नजर आए थे। पुलिस ने आसपास के कई सीसीटीवी कैमरा फुटेज को चेक करते हुए इन लड़कों से पूछताछ की है। पुलिस की इस थ्योरी को पुख्ता करता है वारदात से ठीक पहले का एक वीडियो, जिसमें साहिल उसी जगह पर सीसीटीवी में दिख रहा है जिस सीसीटीवी में उसकी हैवानियत कैद हुई थी। हत्या से ठीक पहले जिस तरह से साहिल वारदात की जगह पर दिख रहा है, उससे लग रहा है कि वो पहले से लड़की का इंतजार कर रहा था और वारदात को अंजाम देने से पहले वारदात की जगह की जैसे रेकी कर रहा था। इस सीसीटीवी तस्वीर में दिख रहा है कि साहिल एक लड़के से बात करने के बाद आगे चलता है, लेकिन इसी के 30 सेकंड बाद ही वो लड़की पर हमला कर देता है। ऐसा लग रहा है कि वो लड़की को आते हुए देख लेता है, उसकी तरफ बढ़ता है। इसी के 30 सेकंड बाद की जो तस्वीरें हैं, उसमें वो लड़की पर बेरहमी से हमला करता दिख रहा है। वारदात वाली जगह, इन लड़कों की मौजूदगी और आरोपी साहिल का वहां से आराम से निकल जाना पुलिस की थ्योरी को उलझा रहा है। यही वजह है कि दिल्ली पुलिस उन सभी लड़कों से पूछताछ कर रही है जो साहिल के संपर्क में थे, ताकि साहिल के फुल प्रूफ प्लान का पर्दाफाश हो सके और कोर्ट में केस कानूनी दांवपेच में ना फंस कर रह जाए। और इस वक्त हमारे साथ लाइव मौजूद है मेरे सहयोगी दीपक बिष्ट, सीधे उनका रुख करते हैं। दीपक, अब पुलिस के रडार पर साहिल के दोस्त भी हैं, साहिल के दोस्तों की क्या भूमिका सामने आई है? देखिए, अभी तक सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, क्योंकि कई ऐसे दोस्त जो साहिल से जुड़े हुए थे वो रडार पर हैं, क्योंकि उनकी मूवमेंट क्या इस जगह पर है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं ये स्पॉट है और इस जगह पर साहिल जब जिस वक्त वारदात को अंजाम दे रहा था, सीसीटीवी कैमरा फुटेज में सिर्फ वो अकेला आया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने आसपास के कई लड़कों को पूछताछ के लिए दो दिन से बिठाया हुआ है और जो पीड़ित हैं, जो लड़के यहां से उठाए हैं पूछताछ के लिए, उनके परिवार का ये आरोप था कि उनको कुछ भी नहीं बताया गया है और कई लड़कों को पुलिस लेकर गई है, उनके बच्चों को और पूछताछ के लिए लेकर गई है। लेकिन क्या ये
बतौर गवाह उन्हें पुलिस पेश करेगी या फिर उनके बयान लेकर आगे की कार्रवाई करेगी। लेकिन जो चीज़ें अब सामने आ रही है कि कई ऐसे लड़के जो उसका गैंग था, उसके गैंग में कई ऐसे लड़के थे जो नशे के आदि थे और ये सभी लड़कों का झुंड आसपास मौजूद रहता था, पुलिस उन लोगों को ट्रैक कर रही है। क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जो सूत्र बता रहे हैं हवाले से कि ऐसा हो सकता है कि कुछ प्लानिंग में कुछ और लड़के भी हों और इसी वजह से पुलिस हर तरफ से हर इंक्वायरी कर लेना चाहती है और इसलिए यहाँ पर जो लोग भी इस पूरे सस्पेक्ट एरिया में आएंगे वो सभी पुलिस के दायरे में रहेंगे और इसलिए पुलिस उन सबसे जाँच पूछताछ कर रही है और इसी वजह से ये पूछताछ कहाँ पर हो रही है किसको पता नहीं चल रहा है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि पुलिस अपनी तरफ से हर तरफ से कोशिश कर रही है कि उन सभी लड़कों से पूछताछ की जाए जो उससे जुड़े हुए थे। क्या कहीं किसी की भूमिका तो नहीं थी, क्योंकि 15 दिन पहले साहिल ने चाकू खरीदा था तो अकेले नहीं, क्या शागिर्द भी आसपास मौजूद थे? बहुत बड़ा सवाल है, लौटेंगे आपके पास में, बने रहिए हमारे साथ में। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या से जुड़ी ये खबर, जहां आरोपी साहिल के दिमाग की अब जांच होगी। आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट कराया जाएगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने अब तैयारी भी शुरू कर दी है। साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आप देख रहे हैं, आरोपी साहिल का ये टेस्ट किया जाएगा और इस टेस्ट के दौरान वहां मनोचिकित्सक मौजूद रहेंगे जो उसके दिमाग को पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिल्ली में हैवानियत से उठेगा पर्दा, आरोपी साहिल उगलेगा सभी राज, साहिल का पुलिस कराएगा साइको टेस्ट। दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की बेरहमी से हत्या ने पूरे देश को हिला दिया है। वहीं हत्याकांड के आरोपी साहिल को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर हत्याकांड के पर्दे खोलने की कोशिश तेज कर दी है। हत्या के पीछे रही वजह के सभी राज खोलने के लिए पुलिस साइंटिफिक तरीकों का भी सहारा ले रही है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी साहिल का साइको एनालिसिस टेस्ट यानी PAT टेस्ट कराया जाएगा। दिमाग के इस टेस्ट के जरिए पुलिस ये जानने की कोशिश करेगी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। इस टेस्ट से साहिल के दिमाग, उसके रहन सहन, उसकी दिनचर्या, उसके क्या क्या शौक है, उन सभी के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। साइकोलॉजिस्ट आरोपी साहिल ने उसके परिवार, उसके दोस्तों के बारे में पूछेंगे, उसका लाइफस्टाइल, उसके शौक, पसंद नापसंद, सबके बारे में राज उगलवाएंगे। क्या है साइको एनालिसिस टेस्ट? ये टेस्ट करीब 3-4 घंटे तक चलेगा। 3-4 मनोचिकित्सक सवाल जवाब करेंगे। मनोचिकित्सक साहिल के व्यवहार की जाँच करेंगे। साहिल से उसकी पसंद और नापसंद पूछी जाएगी। साहिल के बारे में जानकारी इकट्ठी की जाएगी। वही मामले में दिल्ली पुलिस कोर्ट में जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। इसलिए ये टेस्ट सपोर्टिंग सबूतों के मद्देनजर काफी जरूरी है कि आखिर आरोपी साहिल की दिमागी हालत क्या थी जिसने ऐसी दरिंदगी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। और एक बार फिर से दीपक का रुख कर लेंगे। दीपक, जिस हैवानियत के साथ इस शख्स ने उस नाबालिग की हत्या की है, एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान कम से कम नहीं कर सकता, क्या यही बड़ी वजह है कि अब मनोवैज्ञानिक जांच भी बेहद जरूरी हो गई है? देखिए, जिस तरह से साहिल सोचता था, जिस तरह से उसकी दिनचर्या थी, जिस तरह से वो जाता था आता था, उसके दिमाग में क्या चलता था, ये एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट जो है इस चीज़ को पता करेगा और इसको लेकर डॉक्टरों की एक टीम होती है जो 3-4 डॉक्टर होते हैं वो इस टेस्ट को करते हैं। 3-4 घंटे लगते हैं और ये बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड में भी आपका इसी तरह से टेस्ट कराया गया था, यानी दिमाग को पढ़ने के लिए ये टेस्ट जरूरी है। क्योंकि जिस तरह से ब्रूटल उसने हत्या की थी और पूरी वारदात को अंजाम देने वक्त जिस तरह से CCTV कैमरा फुटेज में वो दिख रहा है कि किस तरह से चाकू के ताबड़तोड़ हथियार का इस्तेमाल कर रहा है, उसके अलावा पत्थर से वो मार रहा है, बुरी तरह से मारने को जब ये इस तरह का ब्रूटल मर्डर होता है तो पुलिस इसको उसके दिमाग की उपज को जो है पढ़ने की कोशिश करती है ताकि कोर्ट में जब रिपोर्ट लगाई जाए तो वो मजबूत गवाह या मजबूत सबूत के तौर पर उसको वहाँ पर रखा जा सकता है और इसी वजह से इस टेस्ट को यहाँ पर किया जाना है और जल्द ही दिल्ली पुलिस इसके लिए तैयार हो रही है। ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। उधर सूत्रों के हवाले से दिल्ली मर्डर केस में बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया गया कि हत्या वाले दिन यानी 28 मई को साहिल और लड़की के बीच सुबह 7:19 पर 2 बार वीडियो कॉल पर बातचीत हुई। इसके बाद लड़की ने साहिल को 2 ऑडियो मैसेज कर तंज कसा था और कहा था
कि बड़ा बदमाश बन रहा था, अब कहां चली गई बॉसगिरी। बताया ये भी जा रहा है कि लड़की ने साहिल को ये मैसेज तब किया जब उसके ही एक दोस्त ने साहिल को धमकी दी थी। हत्या से एक दिन पहले भी लड़की और साहिल के बीच लंबी बातचीत हुई थी। इधर दिल्ली में हुई जघन्य हत्या पर बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी। बाबा ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में इस पूरी घटना को लव जिहाद से जोड़ दिया। और यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि सबको एक साथ आकर हिंदू राष्ट्र बनाना होगा। शास्त्री हमारे साथ तमाम बातचीत को लेकर जुड़े हुए हैं। बाबा, आपने सूरत के मन से लव जिहाद का जिक्र किया और कल हमने राजधानी दिल्ली में देखा कि आखिर एक लड़की की किस तरीके से हत्या हुई, जिसमें लव जिहाद का एंगल भी निकल कर सामने आ रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? लोगों को लगता है कि हम विवादित बयान देते हैं, लोगों को लगता है कि हम विचित्र बयान देते हैं, अपितु हमारे बयान में इस राष्ट्र की पीड़ा छिपी हुई है। प्रत्येक बात में हम इस राष्ट्र के प्रति दिन रात पीड़ा से पीड़ित हैं। हमने जो बात लव जिहाद की पूर्व समय से उठाई, लोगों को लगता था कि ये सिर्फ बातें बनाने की बात करते हैं। इसीलिए आपने कल प्रत्यक्ष देखा कितनी बर्बरता से चाकुओं का प्रहार करके हमारी बहन को मारा गया। इस देश का दुर्भाग्य और भारत में रहने वाले हिंदुओं का दुर्भाग्य, और उसके हाथ में कलावा देखकर देख लीजिए कि कितनी बड़ी साजिश गहरे तरीके से चल रही है हमारे सनातन धर्म को मिटाने की। इसीलिए हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मजहब के खिलाफ, लेकिन इस अमानवीय कृत्य के खिलाफ हैं। और ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए अब हिंदुओं को चूड़ियां पहनकर नहीं, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। भगवान का नाम लेने से, इस राष्ट्र के जो आराध्य राम हैं, उन आराध्य का नाम लेने से दंगे भड़कते हैं कि शांत होते हैं? भगवान नाम से शांति मिलती है क्या अशांति, ये उनको निर्णय करना चाहिए। शाहबाद डेयरी में लड़की की हत्या के मामले में नए किरदार की एंट्री हुई है। हमले के बाद लड़की को अस्पताल पहुंचाने वाला लड़का सामने आया है। हालांकि हमले के वक्त लड़के ने घटनास्थल पर होने से इनकार कर दिया है। लड़के ने दावा किया कि अगर हमले के वक्त वो मौके पर मौजूद होता तो लड़की को मरने नहीं देता। तो मौर्य केस में ये एक नया किरदार सामने आया है। ये किरदार वो है जो ये कहता है कि लड़की को वो अस्पताल लेकर गया। उसका ये भी कहना है कि वो मौके पर मौजूद नहीं था। अगर वो मौके पर मौजूद होता तो उस लड़की के साथ ऐसा होने से वो उसे बचा लेता। दोनों करीबी, उनका ये कहना है कि झवरू और साथ में एक लड़की जिसका नाम बताया जा रहा है, दोनों मिलकर धमकाने के लिए साहिल के पास पहुंचे। धमकाया किसी को नहीं। अब देखो, ऐसे फंसाने के लिए तो दुनिया बातें बनाती है कि हम मर रहे हैं तो इसको भी मरवाएं। ठीक है, ये तो दिल्ली की रिवाज है, एक मर रहा है तो दूसरे को लेके डूबे। हम ऐसा कुछ नहीं था, हम उससे मिले थे, वो यहाँ पे 15-17 लड़के लेके खड़ा था, तो उसने वोस्ट वांटेड भी बताया मेरे को। मैं वोस्ट वांटेड होता तो मैं गलियों में नहीं घूमता भी, मैं यहाँ पे नहीं आता, मैं अपना अंदर ही रहता, भागता कहीं। ठीक है, मैं अपना काम धंधे वाला आदमी, अपना काम धंधे से ध्यान रखता हूँ बस। साहिल से पहले कभी आपकी बातचीत थी, परिचय था? पहले कभी बातचीत नहीं थी, बाकी यहीं पर ही घूमते रहते थे, मिलते थे बस। उधर दिल्ली में नाबालिग की हत्या के बाद उसके दोस्त का दावा सामने आया है, जिसमें कहा कि साहिल ने लड़की को धमकी दी थी कि अगर उसने किसी लड़के से बात की तो वो उसे मार देगा। आपकी और झबरू जो अजय है और मृतिका जो अब हमारे बीच नहीं है, आप तीनों लोग साहिल के पास गए थे, तो आपकी क्या बातचीत साहिल को हुई थी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि साहिल धमकी देता था, टॉर्चर करता था मृतिका को, तो आप लोग समझाने पहुंचे? उसने को ये बोला था कि अगर किसी से बात करेगी तो मार दूंगा तेरे को। तो हमारे पास आई थी हेल्प मांगने, तो मैंने बोला चलो कोई नहीं। फिर हम बातचीत करके हम गए थे उस लड़के के पास, उसको बुलाया था हमने, तो उन्होंने बोला कहाँ पे आऊँ, हमने बोला अखाड़े पे आ जाओ, तो उन्होंने बोला नहीं पीपल के पास आ जाओ आप। अच्छा। तो हम पीपल के पास गए, वहाँ पे बातचीत हुई, हमने बोला क्यों परेशान करता भाई, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात करता था मैं इससे पहले फलाना ठिकाना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने कहा जो हो गया हो गया, ना तू इसे परेशान करियो ना ये तेरे को करेगी, ऐसी बात उत कर ली थी हम सब ने, तो हम लोग आ गए थे उधर से। कुछ लोगों से बात हुई और उनका ये कहना है कि जब आप लोग साहिल को समझाने गए तो आपके हाथ में और झबरू के हाथ में कोई कट्टा था, कोई बंदूक थी, आप लोगों ने बंदूक तानी उसके ऊपर? पिस्टल बता रहे हैं, वो पिस्टल असली नहीं थी, नकली थी, वो भी अभी पड़ी हुई है, किसी बच्चे से मैं यही गली में से छीन के ले गया था,
वो नकली थी, प्लास्टिक की थी। तो पिस्टल का क्या मतलब, क्यों आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, कि समझाने के लिए कि शायद मान जाए? नहीं, ऐसे ही मजाक में इन्हें ले ली थी, तो मेरे को कह रही लाओ मेरे को दो ना मैं रख लेती हूँ, तो साक्षी ने लोवर में लगा ली थी। आप कितने सालों से जानती हैं उस मृतका को? पता हुआ है मेरे को। तो फिर आपने उसकी मुलाकात झवरू से कराई? हाँ, मतलब उसे हेल्प चाहिए थी तो मैंने भाई से मिलवाया था, मैंने कहा इनको बताओ ये उसको समझा देंगे।